ग्रेटर नोएडा किसान सभा के लगातार आंदोलन के 8वें महीने में और लगातार धरने के 123वें दिन आखिरकार किसानों और प्राधिकरण के बीच किसानों के सभी मुद्दों पर सहमति बनी। सहमति के बाद 1 नवंबर तक धरने को स्थगित किया गया। आंदोलन को आज किसान सभा के धरने के 123वें दिन प्राधिकरण और किसानों के बीच हुआ ऐतिहासिक लिखित समझौता हुआ। समझौते के अनुसार 10% आबादी प्लॉट नए कानून को लागू करने सहित सभी मुद्दों पर प्राधिकरण और किसानों के बीच 100% सहमति बन गई है। ज्यादातर मसले अक्टूबर माह में होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक से पास कर दिए जाएंगे। मुख्य मुद्दा 10% आबादी प्लॉट को अक्टूबर माह की बोर्ड बैठक से पास कर दिया जाएगा। और जब से वो आए तब से हमें पहली बार पिछले 15 वर्षों में ये लगा है, 10 वर्षों में ये लगा है कि हमारी समस्याएं पूरी तरह अब हल हो जाएंगी और बिल्कुल भी, क्योंकि सीओ साहब जब आए थे हम पहले ही दिन समझ गए थे, उसके बाद हमें धरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर सीओ साहब ने हमसे ये कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दो समझने के लिए। सीओ साहब ने जो भी चीजें समझी वे तुरंत बोर्ड बैठक से पास की और बाकी के लिए कहा कि रुपेश जी और तमाम साथियों मैं हूँ तो बिल्कुल किसानों के लिए हूँ, इस कुर्सी पे हूँ तो किसानों के लिए हूँ, मैं हूँ तो किसानों का पूरा काम पूरे मन से करूंगा और हम दिल से बड़े आश्वस्त हैं। और हमने रिक्वेस्ट करी सीओ साहब से कि हमारे लोग, हमारी जो मातृशक्ति है वो हमें रोज आपका जिक्र करते हैं, तो एक बार सब आपको देखना चाहते हैं, तो आप हमारे रिक्वेस्ट पर आए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और इस बड़े पॉजिटिव नोट के साथ कि आपके रहते हमारे दिल में जरा भी कोई शंका नहीं है, हमारी सभी समस्याओं का समाधान आप करेंगे इसका पूरा हमें यकीन है। आप हमारे बीच में आए हैं उसके लिए बहुत आपके आभारी हैं, बहुत आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं सबकी ओर से। और आप ही की उपस्थिति में अभी हम अपने एक दो गेस्ट को सुन के अगले 10-15 मिनट में अपने धरने को यहाँ खत्म करने की भी घोषणा करते हैं। मैं दो शब्द में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं और मैं किसान परिवार का हूं और मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं मैं आपके साथ खड़े होकर के जितना भी मेरे तरफ से मदद हो सकते हैं मैं करने के लिए पूरी प्रयास करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका सीओ साहब। ये मत करो, ठीक।